चक्कर लगाऊं। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम धामी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बादल जी का भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान था। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उधर अल्मोड़ा दौरे पर रहे सीएम धामी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और अल्मोड़ा के कई फायदेमंद कार्यों पर सरकार की मुहर लगाई। इस दौरान पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार रिवर्स पलायन के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के साथ ही साथ सरकार ने सबसे ज्यादा पलायन जिले अल्मोड़ा समेत अन्य जिले पलायन पर अंकुश लगाने के साथ ही कई योजनाओं को युवा वर्ग जोड़ने के लिए पर्यटन, कृषि, बागवानी एवं लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे लोग अपने साथ ही अन्य लोगों को रोजगार दे सकें। आज प्रदेश पलायन पर अंकुश लगा है। लोग हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इसका फायदा भी मिलेगा। पलायन को लेकर हमारा पलायन रोकथाम आयोग काम कर रहा है और इस दौरान जो रिपोर्ट भी आई है तो इन वर्षों में पलायन कम हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने स्वरोजगार को अपनाया है, जहां कीवी मिशन, स्टार्टअप, छोटे उद्यमी, उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों योजनाएं हम लोग बना रहे हैं और उनके कारण से निकट भविष्य में पलायन रुकेगा और लोग रोजगार से स्वरोजगार दोनों को निश्चित रूप से पूरे अल्मोड़ा समेत समूचे उत्तराखंड के अंदर जो पलायन की स्थिति है उसको रोकने के लिए और उस पर कहीं ना कहीं लोगों का रिवर्स पलायन हो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती के अवसर पर एचएन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। वहीं पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने स्वर्गीय एचएन बहुगुणा को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय एचएन बहुआयामी सोच के धनी थे। पहाड़ के प्रति उनकी सोच के चलते उनको हिमालय पुत्र कहा गया है। अभी भाजपा उत्तर प्रदेश के सीएम रहते हुए उन्होंने पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया और उन्होंने स्वाभाविक से कभी समझौता स्वाभिमान से नहीं किया है। स्वर्गीय बहुगुणा ने यह साबित किया है कि हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि गरीब और मजलूमों के लिए बहुगुणा जी की सोच देश के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल और चंदन रामदास के साथ ही सत्ता और विपक्ष के कई विधायक मौजूद रहे। हेमती नंदन बहुगुणा जी ने अनेकों उत्कृष्ट कार्य और जब हमारा एकीकृत रूप से उत्तर प्रदेश था, विभाजित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र के मंत्री के रूप में उन्होंने अनेकों कामों को दिया था। आज उनकी जन्म जयंती है, इस अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो उन्होंने एक लंबा कालखंड जो जन सेवा में लगाया निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए कहीं न कहीं उनके किए हुए काम निकट भविष्य में अनुकरणीय है। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनको हम आज की जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हैं।
वहीं पूर्व कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव नंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष का बजट निराशाजनक रहा है। इस बजट में आपदा पीड़ित गरीब लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस सरकार ने बजट में लोगों को निराशा मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी घटना सल्ट क्षेत्र के देवालय गांव में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो गई है। हमने लगातार प्रयास किया, लेकिन पंडित को कोई भी मुआवजा नहीं मिला, लेकिन सरकार पीड़ित परिवार के लिए राशि तय नहीं की। उन्होंने दूसरी घटना का भी जिक्र किया, जहां पर आग लगने से 3 जानवरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में जंगलों की आग पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फायर वाचर को अब बीमा सुरक्षा का कवर मिलेगा। इसके लिए उन्होंने वन मुख्यालय और ग्रामीण प्रभागों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही ग्राम स्तर पर गठित हो रही ग्राम वनाग्नि सुरक्षित समितियों को अनुदान के मद्देनजर शासन को प्रस्ताव भेजा गया। विभाग ने प्रत्येक समिति के लिए 30,000 रुपए का अनुदान प्रस्तावित किया। बता दें कि फायर वाचर को मानदेय तो मिलता है, लेकिन उनके लिए बीमा सुविधा नहीं थी। सुबोध उनियाल ने बताया कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत वन क्षेत्रों में जितने भी फायर वाचर रखे जाएंगे, उनका दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। इसके बारे में सभी डीएफओ को निर्देशित कर दिया गया है। ग्राम बागवानी सुरक्षित समितियों को शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अनुदान राशि दी जाएगी और ग्राम बागवानी सुरक्षा समिति में कम से कम 6 सदस्य रखे जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक समिति में ग्राम प्रधान अध्यक्ष होगा, जबकि एक पंचायत सरपंच, महिला और युवक मंगल दलों के 2-2 सदस्य शामिल होंगे। वन दरोगा अथवा वन रक्षक समिति का सदस्य सचिव होगा। वो लोग एक बहुत रिस्क है इसमें, जब आग बुझाने आप जाते हैं और खासकर जिस तरह से आग फैल जाती है। हमने कई प्रयास किए उनको इंश्योरेंस कवर देने के साथ साथ, मैंने आपसे कहा कि हमने ग्रामीण स्तर पर एक फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, ताकि लोगों की सहभागिता से बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के आप किसी विपत्ति की चीज से नहीं बढ़ सकते। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कंसेप्ट पर हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम फोर बनाने का निर्णय लिया। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया कि बीजेपी जनसंवाद अभियान पार्टी शुरू करने जा रही है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए 25 कमजोर बूथों पर जनता से संवाद करेंगे। बीजेपी प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी सांसदों के नेतृत्व में जनसंवाद स्थापित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। नवीन ठाकुर ने कहा कि 15 मई से 16 जून तक संचालित होने वाले इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सांसद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 25 कमजोर बूथों पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जनता से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में जीतना ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जनता को विश्वास हासिल करना है। इसके लिए राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों के साथ ही सभी 70 विधानसभा सीटों में फोकस करते हुए केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सभी सांसदों के लिए एक माह का विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। पार्टी इस कार्यक्रम को लेकर अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा के 25-25 बूथों पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पार्टी के सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधि, जो जो हमारे कमजोर बूथ हैं या जिन बूथों पर हम चुनाव आ रहे हैं, उन सभी बूथों पर जो है हमारे पदाधिकारी जाएंगे और वहां पर संवाद करेंगे। उन सभी चीजों को हम जो है टटोलेंगे, उन सभी कारणों पर जो है मंथन करेंगे, किस कारण हम बूथों में पीछे रहे और उन सब कमियों को दूर करते हुए अगले चुनाव में उन बूथों को जीत सके, इस प्रकार की चिंता जो है पार्टी करेगी।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने बीते वर्ष की तुलना में इस साल 50% अधिक चालान काटे हैं। आरटीओ इन्फोमेट शैलेश तिवारी ने बताया कि अब नियमों का पाठ पढ़ाने और सख्ती के लिए मोबाइल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक कुल 11,351 से अधिक चालान किए गए हैं। वहीं अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक वह संख्या 16,000 पहुंच गई है। मोबाइल टास्क फोर्स को सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक शराब पीकर वाहन चलाना, भारी वाहन में यात्री भरना, मोबाइल पर बात करना से जुड़े हुए 2,513 चालान किए गए हैं। हमारे विभाग में नित प्रतिदिन नए प्रयोग हो रहे हैं और हम लोग कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी लेकर के आ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने मोबाइल टास्क फोर्स का भी गठन किया है। मोबाइल टास्क फोर्स हमारे यहाँ देहरादून में, एक देहरादून में है, एक विकास नगर में भी मोबाइल टास्क फोर्स, साथ ही साथ कुछ बाइक स्क्वाड्स भी आए हैं। आपने देखा होगा कि बाइक स्क्वाड्स भी आए हैं, उसमें एक बाइक पे एक ड्राइवर होगा और एक हमारा सीनियर सुपरवाइजर होगा इन्फोर्समेंट का। रुद्रपुर के सिक्स सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज में विधायक शिव अरोड़ा ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। सिक्स सिग्मा कॉलेज के अलावा काशीपुर और कुमायूं यूनिवर्सिटी, भीमताल आम्रपाली कॉलेज ऑफ फार्मेसी हल्द्वानी, रुहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, शिखर इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने रोजगार मेले में प्रतिभाग किया। इस दौरान 150 छात्र छात्राओं में 75 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। इस दौरान नोएडा उत्तर प्रदेश के APCL के HR मैनेजर कुंवर श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे देश में हमारे संस्था ने कई क्षेत्रों में नौकरी के लिए छात्र छात्राओं को अवसर दिया जाता है। 3 चरणों में छात्र छात्राओं को नौकरी के चयन किए जाते हैं और पूरी क्रिया को गुजरना होता है हर छात्र को। इस दौरान रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि समय समय पर सरकार के आदेश अनुसार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर छात्र छात्राओं को अच्छा प्लेसमेंट मिल रही है। उक्त संस्था में छात्र छात्राओं को 3 लाख से 6 लाख के वार्षिक पैकेज के साथ नियुक्त किया जा रहा है। ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि पिछले 30 साल से डीआरए और पीवी के सेक्टर में वर्क कर रही है, जहां पर उनके मोर देन 400 क्लाइंट्स है जिनके लिए ये हायरिंग हम कर रहे हैं। सो बेसिकली जो अभी हमारे पास सिक्स सिग्मा स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज है वो है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में, फार्माकोविजिलेंस में, क्यूए क्यूसी एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सो बेसिकली उसके लिए यहाँ पर हम हायरिंग करने आए हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक पूल कैंपस है, काफी बच्चे आए हुए, ऑलमोस्ट लाइक 150 बच्चे स्ट्रेंथ है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का, और यहाँ पर आई होप कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर ले जा सके। सिक्स सिग्मा कॉलेज ये इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज है, उत्तराखंड का निजी क्षेत्र का जो सबसे अच्छे कॉलेजेस है उसमें आज सिक्स सिग्मा के द्वारा एक पूल कैंपस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक वर्ल्ड की रेनाउंड कंपनी ACP है उसके द्वारा पूल कैंपस किया जा रहा है, जिसका बेसिक पैकेज 3 लाख से लेकर 6.5 लाख तक, ये उसकी संभावना है कि पैकेज जो भी है सिलेक्ट में उन्हें मिलेगा। और आज उनका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा। वहीं अंग्रेजों का बनाया गया शहर के तिकोनिया चौराहा स्थित डांक बंगला अब कंपनी बदहाली से अजीज आ चुका है। चारों तरफ हरे भरे वातावरण के बीच डांक बंगला आज जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इस ओर ना तो किसी अधिकारी का ध्यान है और ना ही हेरिटेज भवन को बचाने के लिए किसी ने अभी तक कोई कदम उठाया है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे बनवाया था, पर अब यह किसी भूत बंगले से कम नहीं है।
दिखने में तो ठीक लगती है, लेकिन अंदर इसमें कूड़े का भंडार है। जब अधिकारियों से इसको लेकर बात की गई तो वे इस बारे में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि इस गेस्ट हाउस की बुकिंग हमारे द्वारा की जाती है और इससे मिलने वाले राजस्व लोक निर्माण विभाग को जाता है। वहीं इस बारे में जब लोक निर्माण विभाग को अधिशासी अभियंता अशोक कुमार का कहना है कि आरक्षण अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट और इसके जीर्णोद्धार के लिए काफी धनराशि की आवश्यकता है, शासन की ओर से स्वीकृति मिलने पर ही आगे कुछ कहा जा सकता है। मेंटेनेंस की बात, तो मेंटेनेंस के लिए हमारे पास इसको टोटली रिन्यूएट करने के लिए काफ़ी धनराशि की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोगों ने अपने स्तर से इसकी कंसल्टेंसी ले ली है। इसको हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में 10 रूट में कन्वर्जन के लिए मेरे एक प्रस्ताव जल्दी ही तैयार होने वाला है, 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा। बीचों बीच में PWD का गेस्ट हाउस है जिसकी जो बुकिंग है वो एक यहाँ हमारे यहाँ से की जाती है और साथ ही जो इसमें किराया है वो PWD को जाता है और इसका मेंटेनेंस भी वही देखते हैं। तो इस शहर के बीचों बीच के गेस्ट हाउस का अगर रिनोवेशन होता है तो निश्चित ही ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। जो बचत की जाती से यहाँ पर हूँ PWD में, कल साल जो नौकरी वो उनको जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी स्थिति बहुत खराब है। सभी शहर में है, ये शहर के आने जाने वाले रात दिन आते हैं जाते हैं, कोई एक रुपये एक्शन नहीं भर जाता है। फ्री के आते हैं, फ्री चल देते हैं, हमने कहा वहाँ से बुक करा रखा, वहाँ से रजिस्टर भराओ, हम यहाँ से आई डी यहाँ सिटी में चेक किया, थोड़ी जाएंगे रजिस्टर भरा। तो इस हिसाब से हर चीज़ की बहुत खराब है। मैं प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने CNG बसों का संचालन शुरू कर दिया है। हल्द्वानी डिपो के पास इस वक्त 12 बसें हैं और इन बसों का संचालन हल्द्वानी से दिल्ली के लिए किया जा रहा है। ये सभी बसें अनुबंधित हैं और वहीं शुरुआती चरण में CNG बसों का संचालन शुरू होते ही तमाम परेशानियां भी सामने आ रही हैं, जिसका असर सबसे ज्यादा यात्रियों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी एक दिन पूर्व ही खबर आई कि 3 बसों का संचालन ठप्प पड़ा है, जिसके पीछे परिचालकों के नहीं होने की वजह ठहराई गई है। उधर पिछले 2 दिन से CNG खत्म होने की वजह से बस बीच रास्ते में ही रुक गई है। प्रॉपर नहीं है तो जिसे फुल CNG उस पर नहीं पूरी एब्जॉर्ब कर पा रही हो, जहाँ पे CNG खत्म हो जाती है फिर प्रॉब्लम होती है परिचालक को कि लोग जो है पैसेंजर में परेशान होते हैं और खुद भी नहीं हो पाता, तो लोग बीच में ट्रांसफर होने में फिर प्रॉब्लम आती है, जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है फिलहाल। पौड़ी जिले में एक बार फिर से एक सरकारी शिक्षक के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचने का मामला सामने आया है। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग भी इस घटना से संशार हुआ है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है और वायरल वीडियो को चबट्टा खाल विधानसभा के बोरेखाल ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय घोड़ापाला मल्ला में व्यायाम के सहायक अध्यापक कल्पेंद्र राणा नशे में इस कदर चूर हैं कि उन्हें अपनी हरकतों पर शर्म नहीं आ रही। स्कूल पहुंचने पर स्कूल ऑफिस में स्टाफ के साथ भी अभद्रता से पेश आता है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि शराबी शिक्षक के खिलाफ पहले भी जांच करवाई जा चुकी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट को प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। मुझे भी मीडिया के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई,
मैंने जांच की और बीरो खाल की खंड शिक्षा अधिकारी वर्षा भारद्वाज से मैंने इसकी आख्या ली। कल्पेंद्र सिंह राणा व्यायाम के सहायक अध्यापक हैं एलटी ग्रेड में गवर्नमेंट हाई स्कूल घोरपाला मल्ला बीरो खाल में। ये केवल अभी शराब के नशे में नहीं मिले हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री भी रही है, इस पर जांच कराई गई है और 24 मार्च 2023 को एक बृहद जांच करके मंडली अपर निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने के लिए। कल राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय घोरपाला मल्ला में व्यायाम टीचर श्री कल्पेंद्र राणा जी को शराब के नशे में देखते हुए अत्यंत खेद का विषय है और बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक शिक्षक को यह शोभा नहीं देता है कि ड्यूटी टाइम पे स्कूल में शराब पीकर नशे की हालत में रहना। सुरान संकट के कारण सुरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए उधम सिंह नगर जिले के डीएम युगल किशोर पंत ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। डीएम युगल किशोर पंत ने बताया कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुरान संकट के कारण सुरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सुरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की ट्रैकिंग कराने के लिए उनके विवरण संकलित किए जा रहे हैं। ऐसे नागरिक जिनके परिजन सुडान में फंसे हुए हैं उनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम, पासपोर्ट नंबर और सुडान संपर्क नंबर, व्हाट्सएप नंबर या व्यक्ति की लोकेशन का पूरा पता अगर हो तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय के कंट्रोल रूम के नंबर पर टोल फ्री नंबर है और ईमेल आईडी जिसके माध्यम से भेजी जा सकती है और उपलब्ध कराया जा सकता है। डीएम ने बताया कि प्राप्त सूचना शासन को उपलब्ध कराते हुए भारत सरकार को भेजी जाएगी। नंबर है 1077 जो आपदा कंट्रोल रूम का है और 112 जो पुलिस कंट्रोल रूम का है। अगर किसी के कोई परिचित रिश्तेदार मित्र जो सूडान में अगर फंसे हैं तो उनकी सूचना आप इन दोनों नंबरों पर उपलब्ध करा दें और ये सूचना भारत सरकार जाती है और भारत सरकार ने इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया हुआ है। तो जैसे जैसे लोग लोगों से बातचीत करके डाटा बैंक इकट्ठा तैयार होगा और उसी हिसाब से इवैक्यूएशन प्लान गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगी। वहीं थराली देवाल मोटर मार्ग पर थराली बाजार में आए दिन घंटों जाम लगने से स्थानीय व्यापारी, राहगीर और स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने से जहां एक ओर स्थानीय व्यापारियों को शादी ब्याह के सीजन में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं राहगीरों का पैदल तक चलना दूभर हो गया है। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक रिवर ड्रेजिंग में लगे खनन सामग्री से लदे हुए बड़े डंपर आवागमन से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय व्यापारियों ने बड़े मालवाहक वाहनों और खनन से लदे हुए वाहनों के आवागमन की समय सीमा निर्धारित करने की मांग की है और सड़क के दोनों किनारे अड़े तिरछे खड़े वाहनों को पार्किंग में खड़ा करने की मांग स्थानीय प्रशासन ने की है। वहीं थाना कोतवाल देवेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां जाम की समस्या ज्यादा है वहां जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मी की ड्यूटी ऐसे चिन्हित स्थानों पर लगाई गई है। थराली में जो वर्तमान समय में मार्केट की स्थिति है, जाम से लोग इतने परेशान हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लगातार मार्केट में एक एक डेढ़ घंटे का जाम लगा है और इसका मुख्य कारण जो आज की डेट में जिसका मुख्य कारण है जो ये खनन का काम चल रहा है, इससे लगातार जितनी भी लोडेड गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, ये सब इसके मुख्य जाम के कारण है। हाँ, विगत दिनों जब से ये खनन इत्यादि का कार्य शुरू हुआ है तब से ये बड़े डंपर जो है कि सड़कों पर आ रहे हैं और इनकी वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी होती है। बाजार में जो ग्राहक है वो भी बड़ा परेशान अव्यवस्थित महसूस कर रहा है, पैदल चलने का रास्ता तक नहीं है बाजार में। देखिए, स्कूल जो विद्यालय का समय है उस पे उस समय पे हमने बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, बाजार में प्रवेश करने से रोका जाएगा जा रहा है। दूसरे में जाम जो बाजार में लगता है जो छोटे वाहन है ज्यादा उन वाहनों को हमने जो है पार्किंग में भेजने की व्यवस्था की हुई है और जो आड़े तिरछे वाहन लगते हैं उनको हम क्लेम करके उनका चालन किया जा रहा है
और हमने पूरा फोर्स लगा रखा जितना मेरे। वहीं सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के अराडा में बीजेपी रानीखेत जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट के नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में बीजेपी रानीखेत जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट ने शिरकत की। बीजेपी रानीखेत जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट मंडल अध्यक्ष मछोड़ गुड्डी देवी ने दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गाना गाकर शुभारंभ किया। बैठक में गुड्डी देवी ने बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा की, साथ ही साथ बूथ सशक्तिकरण ऑनलाइन पंजीकरण और 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण के प्रत्येक बूथ पर सुनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार 15 अप्रैल को रात हत्या पर पौड़ी पहुंची। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बयान देते हुए कहा कि योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उस पर कायम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बात की तरह हर तरह की कोशिश की कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब जुल्म की इंतहा होती है तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कल्पना सैनी ने कहा कि प्रयागराज में अतीक अहमद का आतंक का पर्याप्त बन चुका था और उन्होंने कहा कि अब अतीक और अशरफ ही देखिए प्रयागराज के आतंक का पर्याय तो अतीक था और खाली अतीक और अशरफ तक होता तो चलता, उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस अपराध जगत से जुड़ चुकी है और हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जांच समिति बिठा चुके हैं। उन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है, हर तरह का न्याय होगा। देखिए ये वो माफिया था, इस पर कोई दो राय नहीं है, उसको कानून सजा दे, कानून उसके लिए काम करे, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए जिसने डायरेक्शन रहे हों जिस व्यक्ति के लिए कि भाई इसकी सुरक्षा की जाए और इतनी पुलिस होने के बाद भी कोई भी आदमी अगर पुलिस की मौजूदगी कर देता है तो ये निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको आप हल्के ढंग से नहीं ले सकते। धर्म के नाम पर या अपराधी के नाम पर अगर कोई राजनीतिक थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ कि वो अपराधी नहीं होता, माफिया नहीं होता या किसी धर्म विशेष का नहीं होता। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।